यहाँ पर हमारा आ गया है एक पार्सल, दो पार्सल और अभी एक और पार्सल जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। आज है संडे का दिन और अभी जो है वो हम जा रहे हैं अपने सिस्टर के घर और मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगी कि मैं वहाँ क्यों आई हूँ। तो इधर गाड़ी जा रही है और वो बीच में घुसा है उसको याद है। बारह बजे का टाइम और हमने ऑर्डर दिया, हम वेटिंग कर रहे हैं और लेट हमारा ऑर्डर आता है। तो हम जो है वो इस वक्त नाजमाबाद में हैं और नाजमाबाद के देसी बाइक पर हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आ गया है एक पार्सल, दो पार्सल और अभी एक और पार्सल जो है वो हमारा रेडी हो रहा है तो हम उसका भी दोबारा वेट करेंगे। काफ़ी लंबा वेट हो गया है और एक ऑर्डर में उन्होंने लगाया है 20 मिनट। हमारे मियाँ साहब जो है कैसे मैनेज करेंगे। सो भाई यहाँ है हमारा आज का डिनर और बच्चे जो है वो देखें सो गए हैं और ये देखें हफ्सा को देखें कैसे पड़ी हुई है। हफ्सा आ जाओ जल्दी से। और हम इन्हें छोड़ के गए थे घर पर ही क्योंकि जो है वो वसीम आए थे काफ़ी लेट और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग बाहर चले गए। हफ्सा के तो असेसमेंट हो रहे हैं तो कल जो है वो कहीं बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो आज ही जो है वो हमने घर में ही पार्टी कर ली थोड़ी बहुत। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो अभी आ जाइए व्यूअर्स, आप लोग भी आके एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और ये है पिज़्ज़ा, ये है बर्गर, ये है बिरयानी और ये है कोल्ड ड्रिंक, ये है कॉल्सलो क्योंकि ये सब पैक आया है तो ये अभी सब। और आप ये देखें कि अंधेरे के अंदर हम जो है वही डिनर करने पर मजबूर हैं क्योंकि आपको पता है कि लाइट होती नहीं है हमारे यहाँ। और ये देखें आधी नींद से उठ गए हैं बच्चे। हाथ धुला दो। तो यहाँ भी बस लाइट तो आ चुकी है और हमारा डिनर भी तकरीबन फिनिश होने वाला है तो यहाँ जो है तकरीबन 1 बज रहा है और 1 बजे हमारा डिनर हो रहा है। आप जब से सो रहे थे क्योंकि हम आपको घर पे छोड़ के गए थे। अभी तो टाइम हो तो यहाँ से उठ के वहाँ लेटने में अच्छी नींद पूरी हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज है संडे का दिन और अभी जो है वो हम जा रहे हैं अपने सिस्टर के घर और मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगी कि मैं वहाँ क्यों आई हूँ। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है तो अभी हम लोग बस सोकर उठे थे, नाश्ता हल्का फुल्का सा हमने किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। और हमने अभी अपने ग्लासेस के बजाय ये वाले ग्लासेस लगाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर धूप है। हफ्सा ये वाले लगा रही थी तो इन्होंने सोचा मैं भी ये वाले लगा लूँ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं लगा लो क्योंकि ये तो आगे बैठेंगे बाइक पर तो जो है धूप से भी बच जाएंगे। तो
तो और बाकी जो उनके आई सेट वाले जो ग्लासेस हैं वो हमने रख लिए हैं हफ्सा के बैग में। तो यहाँ हफ्सा भी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो आपने देखा होगा मैं अक्सर आप लोगों को वीडियोज़ दिखाती हूँ, मेरी सिस्टर के घर में जाती हूँ। तो आज अभी उसका जो है ना वो बाइक से वो स्लिप हो गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया उसके ऊपर। लेकिन जो चोटें आई हैं वो थोड़ी सी जो है वो काफ़ी मतलब जो घुटना है उसके ऊपर काफ़ी चोट आई है, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब आपको पता है बच्चों के स्कूल भी होते हैं और असेसमेंट भी स्टार्ट हैं अब सके, तो इस वजह से हम जो है वो नॉर्मल डेज़ में जा ही नहीं सके। तो आज है संडे तो मैंने कहा चलें बस अब जल्दी से जो उठ के ना, आपको पता है संडे वाले दिन जो है वो थोड़ा देर से भी उठते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें बस उठते के साथ ही हमने जो है वो निकलना है और जाके वहाँ तबीयत वगैरह मालूम करनी है। और आज तो वसीम बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों खुश हैं मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आज जो है ये वहाँ पर PSL है और बाबा वहाँ पर जाके PSL, हाँ PSL का मैच देखें। तो चलते हैं वहाँ पर जाके आपसे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। रास्ते में अगर थोड़ा बहुत मौका लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि गर्मी किस कदर हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग भी सब जो है वो गर्मी से भी बचें। बस अब हम अपना घर लॉक कर रहे हैं और लॉक करके जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर अपनी सिस्टर के घर पर, हमारे साथ रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। और हमारे चैनल को जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ हमारे चैनल पर कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। फाइनली व्यूवर्स हम जो है वो अपनी सिस्टर के घर पहुंच चुके हैं और बस किस तरह पहुंचे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना वो इतनी ख़राब हो रही है और उसका ब्रेक जो है ना वो उसका मसला हुआ हुआ था। तो बस काफ़ी मुश्किलों से थोड़ा स्लो 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 करते हुए आए, तो काफ़ी देर भी हो गई है। और अभी वसीम और अरहम जो हैं वो मैकेनिक के पास ही रुक गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहले जो है ना वो ये काम करवा लूँ, क्योंकि वापसी में फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा हाँ ये बेहतर रहेगा, तो फिर हमने मैकेनिक के पास गाड़ी छोड़ी और अब वसीम और अरहम जो हैं वो अभी मैकेनिक के पास ही हैं। यहाँ जो है वो देखें और भी मेहमान आए हुए हैं हमारे साथ साथ, है ना भाई? तो ये देखें और ये देखें, ये देखें, उनको तो आप जानते ही हैं और उन्हें भी आप जानते ही हैं। तो ये भी आई हुई है क्योंकि जाहिर सी बात है सिस्टर की तबीयत पूछने के लिए। तो और एक और सिस्टर आई हुई हैं और दूसरी बात ये कि जो है जो मेरे बहनोई हैं, जैसे कि जहाँ हम अभी आए हैं उनके जो बड़े भाई हैं उनका भी एक्सीडेंट हुआ। वो घर से काम पे जाने के लिए निकले थे, तो बस घर से दो कदम यानी कि दो एक स्टॉप ही आगे गए हैं, तो उनको जो है पता चला, जब उन लोगों को न्यूज़ मिली तो वो पता चला कि काफ़ी ब्लड वगैरह उनका जो है वो नाक के ज़रिए से, और वो गिरे हुए थे मतलब, तो लोगों का रश लग गया जिस जगह वो गिरे थे। फिर घर के करीब थे तो किसी ने पहचान के उनके घर पर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अभी तक ये एक मामला है कि उनका उनको किसी ने हिट किया या वो खुद गिरे चक्कर आकर या क्या रीज़न हुआ ये अभी नहीं पता। कि हॉस्पिटल में है, जिना हॉस्पिटल में और न्यूरो वार्ड में है। तो आप सब लोगों से मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से अच्छा कर दे। अच्छा, जो मेरी सिस्टर है ना उसका हादसा इस तरह हुआ कि वो जा रहे थे उन्हीं को देखने के लिए जिना हॉस्पिटल, और रास्ते में जो है वो किसी बाइक वाले ने जो है मेरी सिस्टर को हिट किया, तो वो जो है गिर गई थी। हालांकि बहनोई जो है अल्हम्दुलिल्लाह और बाइक बिल्कुल सेफ रही, लेकिन सिस्टर की जो है ना काफ़ी सारी चोटें आई हैं, तो जिसकी वजह से वो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और डॉक्टर ने मना भी किया है उसे चलने के लिए। और यहाँ अभी जो है वो बस मैं आई हूँ तो मैं इन लोगों के साथ भी थोड़ा बातचीत करूँ, अपनी सिस्टर की भी तबीयत पूछती हूँ। हमारे साथ रहना है, पूरी वीडियो को वॉच करना है और लाइक ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, ठीक है? तो इधर गाड़ी जा रही है और वो बीच में घुसा है, उसको यार ख्याल नहीं था कि पीछे बैग वो आके पीछे बैग इनके टकराया ना, नहीं खिसक गया सीट ये किसकी, उसका बैग से निकल के मेरे हैंडल मार के, अच्छा मेरे हैंडल मार के अटक गया, गाड़ी यूं डिसबैलेंस हुई ना ये। फाइनली व्यूअर्स हम लोग जो है वो अभी अपने घर पर वापस आ चुके हैं और तकरीबन जो है वो 2 बजने वाले हैं
और अभी अभी हम पहुँचे और बच्चे आते ही जो है वो सो गए हैं। और आपको पता है जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ टुमारो विल बी ऑफ और नॉट, आई डोंट नो कि कल जो है वो स्कूल्स ऑफ होंगे या नहीं। अभी तक कोई जो है वो मैसेज नहीं आया है स्कूल से। पेपर है कल अफसा का और अभी जो है वो हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे क्योंकि हमें रुकना तो था नहीं क्योंकि अफसा को स्कूल भी जाना था, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। अभी देखें क्या होता है, कल ये लोग बंद करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल की जो है स्ट्राइक का सुनने में आ रहा है। अब ये है कि कल स्ट्राइक होती है या नहीं, स्कूल से कोई SMS नहीं आया है अभी तक। और अभी हम व्यूअर्स रास्ते में से आए हैं। अब आपको पता है दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी आते वक्त जो है ना थोड़ी ठंड ठंड सी भी महसूस हो रही थी, तो अभी बच्चे आते ही जो है वो अपनी अपनी ब्लैंकेट रजाइयों में घुस गए हैं और सोने की कंडीशन में हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोग जो है वहाँ से लेट निकले थे क्योंकि माशाल्लाह बहुत मेहमान आ रहे थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में भी सब बिज़ी थे क्योंकि वहाँ पर भी जो है लोग जा रहे थे, और सिस्टर की आपको ऑब्वियसली बताया था मैंने कि उनके भी जो है वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके जो पैर में जो है वो ज़्यादा चोट आई है घुटने के पास, तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ पे भी लोग पूछने के लिए आ रहे थे। तो बस अभी हम आए हैं और मैं जो हूँ अभी चेंज वगैरह करूँगी और उसके बाद जो है सोने के लिए लेटूँगी। और मैं जब जा रही थी ना तो उस वक्त भी मेरे दोनों साइड्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था सीट पे बैठे बैठे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ जाके मैंने टैबलेट वगैरह मंगा के खाई मेडिकल से और फिर मुझे थोड़ा सा आराम आया। और अभी बस जो है वो थोड़ा आराम करेंगे, अभी आए हैं। और आज सर में भी दर्द हो रहा था क्योंकि जब हम दिन में निकल के गए ना, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो है वो दिन में जाना हुआ, तो उसकी वजह से मेरे एकदम से सर में दर्द हो जाता है धूप पड़ते ही। तो बस ये है कि अभी यहाँ लेकिन दोनों बच्चे सो गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ और फिर सोते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जो है आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आज का छोटा सा ब्लॉग जो है वो हमारा कैसा लगा।